फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष यानी महादेव का वरदान और जो त्रिनेत्रधारी भगवान शिव है उनका अंश और कॉस्मिक एनर्जी का प्रतीक। जो कॉस्मिक एनर्जी है यानी जो ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसका जो प्रतीक होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। माना जाता है कि इसके प्रयोग से हर प्रकार की बाधा दूर होती है। जो भी हमारी लाइफ में बाधाएं होती है वो सब इसके प्रयोग से दूर हो जाती है। मैं सुनीता वर्मा और आप सबका स्वागत है गार्डनिंग एंड लाइफ टिप्स बाई सुनीता वर्मा पर। अच्छा, छील के निकलेंगे हैं? हाँ, छीलने के बाद निकलते हैं। ये पहले तो नीले रंग का होता है जब पेड़ के ऊपर लगा होता है ना। अच्छा। और फिर बाद में ये भूरे रंग का हो जाता है। अभी पानी में भिगो दिए ना 2-3 दिन, तो उससे ये सॉफ्ट हो गए और फिर ये छील दिए और अच्छी तरह धोने के बाद इसमें ये निकल जाएंगे। ठीक है। ये भूरे इसलिए होते हैं, जैसे ये वाइट है, अब तो ये वाइट है। ये धोने के बाद अच्छी तरह ब्रश के साथ साफ करने के बाद ये वाइट है ना। और फिर ये जब पुराने हो जाते हैं इनमें तेल वगैरह डाल देते हैं, जैसे या घी में डालने के बाद, या जैसे माला है धीरे धीरे माला करने के बाद ये फिर ब्लैकिश हो जाती है। ठीक है। जो रुद्राक्ष का फल होता है वो रुद्राक्ष होता है। जैसे ये रुद्राक्ष है तो ये एक फल की गुठली होता है, फल होता है और उसकी गुठली होता है ये रुद्राक्ष का, जो हम पहनते हैं। जो हमारा एरिया है यानी जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ जंगलों में और जो हर्बल पार्क है वहाँ बहुत सारे रुद्राक्ष के वृक्ष पाए जाते हैं, काफ़ी पेड़ पाए जाते हैं यहाँ जंगलों में रुद्राक्ष के। और कुछ भाई खेती भी की हुई है, जो इसके बाग भी लगाए हुए हैं रुद्राक्ष के। ये जो रुद्राक्ष है इसका बोटेनिकल नेम है इलियोकार्पस जेनिट्रस। बोटनिकल नेम जो होता है, जैसे हर प्लांट्स का बोटनिकल नेम होता है, इसी तरह इसका जो बोटनिकल नेम है वो है इलियोकार्पस जेनिट्रस। साथ में इसको ब्लूबेरी भी कहते हैं, ब्लूबेरी सीड्स, क्योंकि जब इसका फल होता है वो पकने के बाद नीले रंग का दिखाई देता है। और जो इसका फल होता है उसका साइज जो है ये आंवले जितना होता है, जैसे ये आंवला होता है ना इतना बड़ा ये इसका साइज होता है। इसका जो पेड़ होता है वो आम के वृक्ष जैसा होता है, इसके पत्तों की शेप भी थोड़ी थोड़ी आम के पत्तों जैसी होती है और उसका साइज भी वृक्ष का लगभग आम के वृक्ष के समान होता है। उसके पत्तों में खुशबू जो होती है वो भी आम जैसी आती है, जैसे थोड़ी थोड़ी आम के पत्तों से मिलती जुलती इसकी स्मेल होती है। और इन्हीं दिनों इसमें फूल आता है और बाद में फिर जुलाई अगस्त के आसपास इसमें रुद्राक्ष लगते हैं। पहले ये कच्चे होते हैं और बाद में ये नीले रंग के हो जाते हैं पकने के बाद। ये कुछ रुद्राक्ष हैं मेरे पास ये कुछ रुद्राक्ष हैं और कुछ के छिलके तो उतर गए हैं और कुछ के छिलके जो है पानी में भिगोकर उतर जाएंगे। जब हमें इसके प्राप्त हो जाते हैं फल मिल जाते हैं तो उसके बाद इसके फलों को जो है कुछ दिन रखने के बाद पानी में भिगो देते हैं। पानी में भिगोने से जो इसके बाहर का गुद्दा है वो उतर जाता है और हमें बीज प्राप्त हो जाता है। इसके इतने फायदे हैं कि भाई मतलब जैसे शिव पुराण है ना, तो शिव पुराण या शिव जी से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं सभी में इसका महत्व मिलता है हमें। और आप खुद भी महसूस कर सकते हैं, जैसे मैं खुद महसूस करती हूँ जो इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है। फ्रेंड्स, जो रुद्राक्ष होता है वो हमारे शरीर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। जब हम रुद्राक्ष का एक दो दाना पहनते हैं या फिर इसकी पूरी माला पहनते हैं तो वो हमारे शरीर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। जो रुद्राक्ष होता है वो हमारे जो चक्रास होते हैं, 7 चक्रास जो हमारी बॉडी में है उन्हें बैलेंस करने में हेल्प करती है इसकी माला हो या एक दो मोती हो। और इससे एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो हमारे शरीर मन और आत्मा पर पड़ता है। जब भी जैसे हम किसी भी चीज़ के संपर्क में आते हैं तो उस चीज़ का, चाहे वो चीज़ जीव हो चाहे निर्जीव हो, उसका हमारी बॉडी के ऊपर या हमारे घर के ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ऊर्जा को उत्पन्न करती है। हर चीज़ में एनर्जी होती है, किसी में
हाई एनर्जी होती है, यानी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, कई चीज़ों में नेगेटिव एनर्जी होती है, तो उन चीज़ों को मना करते हैं भाई घर में ये नहीं होनी चाहिए। जैसे कहते हैं भाई छत के ऊपर गली सड़ी लकड़ी या लोहा, बेकार लोहा नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो इसी तरह जो ये रुद्राक्ष है इसका हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इससे पहनने से जो हमारे विचार है उनमें शुद्धता आती है और जो व्यक्ति है पहनने वाला धीरे धीरे धर्म के मार्ग पर चलने लगता है और जिससे कि जीवन में उसके शांति और समरसता। रुद्राक्ष को धारण करने से ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है जिससे कि सोचने समझने की और याद रखने की शक्ति बढ़ती है। साथ ही जो ब्लड प्रेशर होता है और स्ट्रेस होता है उसे ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसकी माला पहनने से जो बॉडी का, क्योंकि सारी की सारी बॉडी मेंटेन रहती है, तो इससे इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है और स्ट्रेस है वो भी कम होता है। और जो रुद्राक्ष की माला होती है उस पर शिव जी के मंत्रों का जाप करने से मंत्र सिद्धि मिलती है। शिव जी के मंत्रों का जो जाप करेंगे हम इसके ऊपर तो उससे क्या होगा, मंत्र सिद्धि मिलेगी, यानी कि हमें शिव जी की कृपा प्राप्त होने लगेगी जिससे जो समस्त अरिष्ट और पापी ग्रहों का प्रभाव है उसका नाश होने लगता है। जो पापी ग्रह हैं उनका इफेक्ट कम होने लगता है और मनुष्य पॉजिटिविटी और तरक्की की तरफ बढ़ने लगता है। जब भी जब कोई पॉजिटिविटी और तरक्की की तरफ बढ़ेगा तो भाग्य भी उसका साथ देना शुरू कर देगा और माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ती है। फ्रेंड्स, अगर आप एक दो दाना रुद्राक्ष का लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।